अस्सलाम वालेकुम, वेलकम इन किचन विद अलीना। आज हमारे किचन में बन रहे हैं बहुत ही मज़े के शामी एग बर्गर। उसके लिए हम सबसे पहले शामी कबाब तैयार करेंगे। इससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, पास बेल आइकन के बटन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ये बिल्कुल फ्री है और इससे मेरी नई आने वाली हर रेसिपी सबसे पहले आप तक जाएगी। और साथ में मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलिए हम शामी कबाब जो है वो बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, चिकन का कीमा मैंने लिया है हाफ़ कप। ये मैंने हाफ़ कप दाल ली थी और उसे मैंने इस तरह से पानी में भगो कर रख दिया था 2 घंटे के लिए, और अब इसका पानी निचोड़ के से अच्छे से धो लिया है। आलू लिए थे मैंने 2 अदद और इन्हें इस तरह से पीसीस में काट लिया है मैंने। प्याज लिया था मैंने 1, उसे चॉप कर लिया है। नमक लिया है मैंने 1/2 टीस्पून। कुटी हुई मैंने काली मिर्च ली है 1/2 टीस्पून। साथ में मैंने लिया है कुटी हुई लाल मिर्च ली है, ये 3 टेबलस्पून है। हल्दी पाउडर मैंने लिया है 1/4 टीस्पून। गरम मसाला पाउडर लिया है मैंने 1 टीस्पून। साथ में ये मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है 1/1 टीस्पून। और ये आप देख सकते हैं ये चॉप्ड सब्ज़ मिर्चें ली है मैंने 3 अदद। और साथ में मैंने पानी लिया है 2 से 3 गिलास, जितना हमें ज़रूरत होगा हम उतना यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम कोई भी एक पैन लेंगे। ये देखिए एक पैन ले लिया मैंने, इसमें हम ये जो चिकन का कीमा है ये ऐड कर देंगे सारा। और अब हम इसमें दाल ऐड, ये देखें मैंने जो हाफ कप दाल ली थी वो भी ऐड कर दी। लहसुन अदरक का जो पेस्ट है वो भी ऐड कर देंगे। साथ में आलू और प्याज जो कटे हुए थे वो भी ऐड कर देंगे इसमें सारे। कुटी हुई लाल मिर्च, कुटी हुई काली मिर्च, हल्दी पाउडर, गरम मसाला पाउडर, चॉप्ड की हुई सब्ज़ मिर्चें भी ऐड कर देंगे। अब हम इसमें 1.5 से 2 गिलास जितना हमें पानी की ज़रूरत होगी उतना पानी ऐड करेंगे। ये पानी ऐड कर रही हूँ मैं, जितना हमें ज़रूरत होगा हम उतना ही ऐड करेंगे। ये देखिए 2 कप ऐड करेंगे पानी से, 2 कप पानी ऐड कर दिया है। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। आंच को हम बिल्कुल मीडियम रखेंगे और इसे हम 25 से 30 मिनट तक पकाएंगे, ताकि ये जो पानी है अंदर इसे बिल्कुल खुशक करना है और ये कीमा आलू और दाल जो इसमें सब कुछ अच्छे से पक जाए। तो इसे हम कवर करके 25 से 30 मिनट तक जितनी देर तक पानी खुशक होते था तब तक कवर करके रख देंगे। ओके, 20 से 25 मिनट हो गए हैं और ये बिल्कुल तकरीबन रेडी हो गया है। इसमें देखिए मैं आपको इस तरह के दिखाती हूँ, हल्का हल्का सा पानी रह गया। इसमें नमक भी ऐड कर देंगे हम। अब साथ में लेमन जूस लिया मैंने 1 टेबल स्पून, वो ऐड कर देंगे, सॉरी 1 टीस्पून लिया था। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे 5 से 6 मिनट तक और पकाएंगे, क्योंकि ये देखिए इसमें बिल्कुल हल्का हल्का सा पानी रह गया, ताकि वो भी अच्छे से खुशक हो जाए। ये देखिए 5 मिनट हो गए और ये बिल्कुल रेडी हो गया है। अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे। ये देखें इसे डिश आउट कर लिया है। अब ये मैंने एक लिया है चॉपर, इसे हम चॉप कर लेंगे। ये हैंड चॉपर मैंने लिया, आप अगर चाहें तो आप इसे चॉपर में डाल के भी चॉप कर सकते हैं, हाथ से भी कर सकते हैं। और एक और बात, मैंने इसे एक पैन लिया था और पैन में मैंने इसे 25 से 30 मिनट तक पकाया, तो ये पक गया अच्छे से। अगर आप चाहें तो आप इसे प्रेशर कुकर में भी पका सकते हैं। प्रेशर कुकर में डाल के आप 10 से 12 मिनट उसमें लगेंगे और ये रेडी हो जाएगा। अब इसे अच्छे से मैं मैश कर लूँगी। ये देखें ये अच्छे से मैश हो गया और बिल्कुल रेडी हो गया है। अब हम इसके कबाब बनाएंगे। उससे पहले हम ग्रीन चटनी बना लेते हैं जो हमें पिज्ज़े के लिए चाहिए, सॉरी बर्गर के लिए जो हमें चाहिए। हमें जो चीज़ें चाहिए, 1/2 कप मैंने दही ले लिया है, 3 टेबलस्पून मैंने धनिया ले लिया इसे काट लिया है, 1 प्याज लिया है मैंने उसे मैंने चॉप कर लिया है, नमक लिया मैंने 1/2 टीस्पून, 3 मैंने सब्ज़ मिर्चें ली हैं। अब हम ये सब कुछ एक ब्लेंडर में डालेंगे। ये देखिए ब्लेंडर में दही डाल दिया है, धनिया डाल देंगे, धनिया भी डल गया, सब्ज़ मिर्ची ऐड कर देंगे, प्याज ऐड कर देंगे और नमक ऐड कर देंगे। अब हम इन सबको
एक से डेढ़ मिनट तक चॉप कर लेंगे। ये देखें ये बिल्कुल रेडी हो गई है, अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे। अब हम अपने शामी कबाब जो हैं वो बनाना स्टार्ट करेंगे। देखें इस तरह से हम थोड़ा सा लेंगे ऐसे हाथ पे, ये देखें इतना सा लेंगे, ये देखें इस तरह से लेंगे, इस तरह हम इसे गुलाई में दबा लेंगे। ये देखें ऐसे करके प्रेस कर लेंगे और गुलाई में कर लेंगे हम इसे साइडों से इस तरह से। ये देखें ये बिल्कुल रेडी हो गया है। इसी तरह से हम बाकी के जो सारे हैं वो भी बना लेंगे। ये देखें कबाब बिल्कुल रेडी हो गए हैं। आप इन्हें चाहें तो आप इन्हें चाय के साथ एज ए स्नैक्स भी बना सकते हैं, आप इनके सैंडविचेस भी बना सकते हैं। अब हम एक अंडा लेंगे, ये देखें एक अंडा मैंने लिया है, इसे अच्छे से फेंट लेंगे। ये देखें अंडे को फेंट लिया है। अब हम एक पैन लेंगे, उसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे और उसे प्रीहीट कर लेंगे। ये देखें अब हम इस तरह से ये एक कबाब मैंने लिया है, इसे इस तरह से आहिस्ता से अंडे में डिप करेंगे और पैन में डाल देंगे। ये देखें इसी तरह से हम बाकी के सारे भी डाल देंगे और इन्हें गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। देखें तकरीबन एक मिनट हो गया है। अब हम इनकी जो साइड है वो चेंज कर देंगे, आपको चेंज करके दिखाती हूँ मैं अभी। ये देखिए कितना प्यारा सा लाइट लाइट सा कलर आ गया। इसी तरह से हम दूसरों को भी साइड चेंज कर देंगे और इन्हें मज़ीद एक मिनट तक इस साइड से भी गोल्डन ब्राउन होने के लिए छोड़ देंगे और फिर हम इन्हें डिश आउट कर लेंगे। ये देखें जो हमारे शामी कबाब थे वो बिल्कुल रेडी हो गए हैं। देखिए कितना प्यारी इनकी शक्ल आई है। अब हमने दो अंडे लिए हैं, उन्हें अच्छे से फेंट लेंगे और इसमें हम हाफ टी स्पून लाल मिर्च ऐड कर देंगे, लाल मिर्च का पाउडर, 1/4 टी स्पून नमक ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से हम फेंट लेंगे। ये देखें ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसका ऑमलेट बना लेंगे। ये देखें एक पैन ले लिया, उसके अंदर ऑयल है, ये वही पैन है और वही ऑयल है जिसमें हमने कबाब फ्राई कर लिए थे, इसी में ही हम ऑमलेट भी बना लेंगे। ये अब अंडा हम इसमें डाल देंगे, इसकी ये साइड जब तक पकती है तब तक हम इसे चेंज नहीं करेंगे। जैसे ही ये साइड पकना स्टार्ट हो जाएगी बिल्कुल ऐसे, तो फिर हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। ये देखें अब हम इसकी साइड को चेंज कर देंगे, इस साइड से भी पका लेंगे। तकरीबन आधे मिनट आधा मिनट लगेगा और इसे हम डिश आउट कर लेंगे। ये देखें ऑमलेट बिल्कुल रेडी हो गया है। अब हम ये बर्गर वाले जो बन होते हैं वो लिए हैं मैंने, क्या देखें ये मैंने दो बर्गर बनाने के लिए लिए हैं बन। अब हम एक तवा लेंगे, उसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल ग्रीस करेंगे और उसे प्री हीट कर लेंगे। ये देखें एक तवा ले लिया मैंने, उस पर ऑयल हम ग्रीस कर लिया है। अब इस तरह से एक बन का पीसेस लेंगे और इसको इस साइड से हम ऐसे करके ऑयल लाइट लाइट से ऑयल लगाएंगे और इसे गर्म करते जाएंगे। ये देखें लाइट लाइट से निकल देंगे इस साइड से, जो अंदर वाली साइड है इस साइड से करेंगे। ये देखें ये देखें ये बिल्कुल रेडी हो गए हैं, तकरीबन गर्म हो गए हैं। अब हम इन्हें डिश आउट कर लेंगे और बर्गर बनाना स्टार्ट करेंगे। ये देखिए डिश आउट कर लिए हैं। अब हम बर्गर बनाने के लिए जो चीज़ें लेंगे, ये वाले बन जो हमने ले लिए हैं, साथ में ये ग्रीन चटनी जो बनाई थी वो है, ये ऑमलेट हमारा, और ये साथ में शामी कबाब जो हैं, साथ में मैंने सब्ज़ियाँ ली हैं, जो बंद गोभी मैंने ली है बारीक बारीक कटी हुई, साथ में टमाटर लिए हैं इस तरह से लंबाई में कटे हुए, और साथ में खीरे लिए हैं हमने इस तरह से लंबाई में कटे हुए। अगर आपके पास इनमें से कोई भी चीज़ ना हो तो आप उसे स्किप कर सकते हैं। और ये जो शामी कबाब बनाए हुए हैं मैंने चिकन डाला, अगर आप चिकन नहीं डालना चाहते तो आप सिंपल आलू और दाल के भी बना सकते हैं। साथ में हम केचप लेंगे और मायोनीज लेंगे। चले हम बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक ये बन लेंगे, इसकी ये जो नीचे वाला कवर ये लेंगे। देखें बन की एक साइड ले ली है। अब हम इसके ऊपर ये जो हमने ग्रीन चटनी बनाई थी ये लगाएंगे इसके ऊपर। ये देखिए चटनी लग गई है। अब हमने ये देखें एक शामी कबाब लिया था, ये देखिए अब हम इसे हाफ कर लेंगे इस तरह से, ये इसकी कोटिंग कर देंगे। अब हम इसके ऊपर केचप लगाएंगे, देखें
ऐसे करके हम केचप लगा देंगे। अब हम इसके ऊपर ये देखें, ये बंद गोभी लगाएंगे, साथ में टमाटर और खीरे। ये देखें, ये रहे खीरे हमारे, ये भी रख देंगे। अब हम इसके ऊपर टमाटर लगा देंगे। ये देखें, ये देखिए रख दिया मैंने। अब हम इसके ऊपर ये अंडा जो हमारा ऑमलेट बना हुआ था वो भी रख देंगे। ये देखिए, आप इसकी डबल कोटिंग भी कर सकते हैं, आप अगर चाहें तो शामी कबाब को भी डबल रख सकते हैं। ओके, इसके ऊपर अब हम मेयोनीज डालेंगे। देखें, इसके ऊपर हम मेयोनीज लगा देंगे, ऐसे सारे के ऊपर लगा देंगे। ये देखें, मेयोनीज लग गया। अब हमने ये बन की ये वाली साइड ली है, इसके ऊपर भी हम ऐसे ये देखें ग्रीन चटनी लगा देंगे। ये देखें, ये ग्रीन चटनी लग गई है। अब हम ये देखें ऐसे इसके ऊपर रखेंगे और कवर कर देंगे। और ये देखें, जो हमारा बर्गर था वो बिल्कुल रेडी हो गया। आप देख सकते हैं कितनी प्यारी इसकी शेप आई है। इसी तरह से हम बाकी के सारे भी ट्राई कर लेंगे। ये देखें, जो हमारे बर्गर्स हैं वो बिल्कुल रेडी हो गए हैं। ये देखें, ये देखें कितने प्यारे लग रहे हैं। ये मैं आपको दिखाती हूँ अभी। ये देखिए, देख सकते हैं आप, ये भी देखें कितने प्यारा इसका लुक है। आप इसमें स्टफिंग डबल भी कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। मेरी आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।